तुम अगर तुम फौजी होते, पर तुम तो फौजी हो ही नहीं सकते, तुम्हारी तो आई साइट वीक है। मोए, मोए। Hey guys, good morning and welcome back to my channel. I hope you all are doing good और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. So welcome to my vlog. तो अभी मैं रेडी हुई हूँ, हम जा रहे हैं मैं और शुभम कार वॉशिंग के लिए. हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है डन और अब दादी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है और शुभम भी रेडी हो गया है. आपके लिए फ्रूट्स भी कट कर दिए दादी ने, तो जल्दी से बैठो. मैं सोच रही थी कि तुम बोलने वाले हो, मैंने किए, मैंने देख लिया था कि दादी ने किए. देखा, मैं झूठ नहीं हूँ. सुबह से तुमने कुछ किया भी है कि नहीं? मैंने तो खाना बनाया. भाई मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैंने 2 सक्सेसफुल डील भी कर लिए, ठीक है, और घर का भी मैंने झाड़ू पोछा करका. झूठ झूठ. तो गाइस बस ये खा के फिर हम निकलते हैं कार वॉशिंग के लिए. जाना कहाँ पे है? जाना तो यहीं पास में. दादी ने देखो मिनी स्पून रखे हैं फ्रूट्स खाने के लिए. दादी चाहते हैं कि मैं और शुभम पता नहीं कितने सारे फ्रूट्स खाएं. मुझे सुबह से बोल रहे हैं ना मैंने तेरे को दूध पीते देखा, ना मैं तेरे को कुछ खाते हुए देखा. और अपने घर में पता मैं कितना खाती हूँ, वहाँ बहुत ठंडा है ना, इस वजह से मुझे बहुत भूख लगती है वहाँ पे, यहाँ नहीं लगती. गाइस अभी आप हमारी गाड़ी देखोगे ना कितनी गंदी है, मैंने इससे पहले इतनी गंदी तो नहीं देखी कभी अपनी गाड़ी. और अंदर से दिखाना एक बार. मैंने फिर भी देखी. नहीं मैंने तो बाहर से भी देखी इतनी गंदी. बुन्नू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बुन्नू की जो कारनामे है उसको मैं हटाना नहीं चाहता था, इसलिए इतने दिनों तक ऐसी चलाई. गाइस जिस दिन से हम घर से आए हैं ना गाड़ी की हालत सेम ऐसी है, बस हम आगे बैठ जाते हैं और हटना. एक मिनट में दिखा देती हूँ. ये देखिए गाड़ी वाला भी एक्स्ट्रा पैसे लेगा. ये तो लेकिन ये नहीं है, मुन्नू ने गिराए हुए ये उस दिन. ये अंकित ने गिराए थे जिस दिन उसका बर्थडे था, बाकी तो ये सारा मुन्नू का कारनामा है. तो ये सारा भी साफ होगा. तो गाइस एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि हम हमेशा 4 होते हैं घर पे. आज 3 ही थे, कुल्लू गया है दीदी के घर कल रात का, इसलिए अभी वो व्लॉग में नहीं है. और आज हमने जाना है, मैंने शुभम, दादी भी जा रहे हैं, मैंने शुभम और दादी ने आज जाना है. दादी के तो माइक के जाने. मैं शुभम और दादी जा रहे हैं दादी के भैया के घर खाना खाने. जैसे अभी हम न्यूली मैरिड है ना, तो हमें काफी सारे लोग जो शुभम के रिलेटिव्स हैं वो खाने पे बुलाते हैं. आज संडे है, शुभम ऑफिस भी नहीं गया है, बस इसीलिए हम सुबह जल्दी से अभी कार वॉशिंग वगैरह करवा रहे हैं ताकि दिन में हमारा लंच है वहाँ पे. तो बस अभी कार वॉश करके फिर रेडी होके फिर चलेंगे दादी के भाई के घर. वो विक्की कौशल वाली, हाँ वो भी जा सकते हैं रात को. आज डिपेंड करेगा हम कितने बजे फ्री होंगे, फिर कुल्लू कितने बजे ऑफिस से आएगा. ठीक है फिर चलते हैं. पता करूं यार कितनी गाड़ी है यहाँ पे भी है कार वॉशिंग. पूछता हूँ पहले इनसे कितना टाइम लगेगा. तो गाइस घर के पास ही हमें एक मिल गया है कार वॉशिंग का, बट लेट्स सी, हमें थोड़ा जल्दी है तो पता नहीं यहाँ पे ज्यादा गाड़ियाँ तो नहीं. आज संडे की वजह से भीड़ भी काफी ज्यादा होती है. तो शुभम अभी पूछने गया है कि कितना टाइम लगेगा, अगर कम टाइम लगेगा तो हम यहीं पे करवा देंगे, नहीं तो कहीं आगे जाना पड़ेगा. तो गाइस यहाँ पे लगेगा ज्यादा टाइम, अब हम कहीं आगे जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? आईटी पार्क के पास. तो गाइस आईटी पार्क के पास हमें मिल चुकी है एक पार्किंग, जहाँ पे हम पार्किंग नहीं सॉरी कार वॉशिंग, जहाँ हमारा नंबर आने वाला है. तो गाइस हमारी गाड़ी का नंबर आने वाला है. सुनो आज पता लगेगा कि कितने स्क्रैच पड़े ऊपर के पहाड़ों में. हाँ ब्लैक की ये प्रॉब्लम है कि इसमें दिखता नहीं है, वैसे दिख तो रही है छोटी छोटी, ये देखो, बट अभी गाड़ी वॉश करके अच्छे से दिखेगी कितने स्क्रैचेस लगे हैं. और हम है आई लव मस्ट वॉश कार वॉशिंग के पास. तो गाइस ये देखो कार वॉशिंग के साथ चंडीगढ़ के बॉर्डर पे ये फौजियों के कैंप्स भी लगे हैं. मेरी एड्रेस दिख रही है फौजी की, तो मुझे लग रहा है ये फौजी का ही कैंप है. सुबह अगर तुम फौजी होते, पर तुम तो फौजी हो ही नहीं सकते, तुम्हारी तो आई साइट वीक है. मोए, मोए. तो गाइस अब आया है अपना नंबर, हमारे से पहले भी 1-2 गाड़ियाँ थी, अब अपना नंबर आया है. ये सारा कचरा ये और ये हमारी गाड़ी से ही निकला है, अंदर से हो गया है थोड़ा वैक्यूम क्लीनर, अब वॉशिंग होएगी. भाई मुझे इतना डर लगता है ना जब शुभम ऐसे गाड़ी चढ़ाता है, मुझे लगता है अगर टायर अंदर ही चले गया तो, बट जिसको ड्राइविंग आती है उसको डर नहीं लगता, डर तो मुझे है जिसको नहीं आती. तो गाइस गाड़ी आ चुकी है वॉश होके और अभी 12:30 यहीं पे बज गए, काफ़ी लेट हो गए हम, जिसमें पता नहीं काम चल रहा है पॉलिशिंग एंड ऑल. तो गाइस गाड़ी चमक चुकी है. गाइस ये देखो कितने स्क्रैच है यार गाड़ी में, ये घर जाके ही आए हैं मेरे. पहाड़ों के लिए नहीं बनी है काली गाड़ियाँ. भाई बंदे ये बोल रहे चाबी है नहीं हमारे पास. गाइस चाबी उनके पास दिया और अब बंदे बोल रहे कि हमारे पास चाबी है ही नहीं. फिर अब
गाइस एक हम ऑलरेडी पहले ही इतने ज्यादा लेट हो गए, दादी परेशान हो गए होंगे कि अभी तक क्यों नहीं आए। एक बजे हमें निकलना था, एक यही बजे। अब चाबी नहीं मिल रही है, घंटा लगता है। अभी तो मुझे रेडी भी होना है घर जाके। चाबी मिल गई है, पता नहीं किसके पास थी, किसके पास थी, इन्हीं के पास थी। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइस, हम फाइनली घर पहुंच गए, फटाफट से रेडी हो जाते हैं। दादी तो नहा भी गई, रेडी भी होगी, अपने मायके जाने की तो सबको खुशी होती है, चाहे एज जितनी मर्जी हो। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, कैसे लग रही शुभम? अच्छी लग रही है शुभम। और दादी को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, इतनी रेडी हुई हुई, टिप टॉप। हाँ मतलब एकदम टिप टॉप। आज जा रहे हैं पहली बार दादी के भाई घर, इसलिए हुई। शुभम ने तो चेंज भी नहीं किया, 10 मिनट में मैं रेडी हुई। उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया ना, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी। तो गाइस शुभम का मूड अभी ऑफ हो चुका है, क्योंकि हमें 2 बजे पहुंचना था वहां पे, और अभी 2 हमें निकलते निकलते ही बज गए हैं। तो अभी जिसके पास हम जा रहे हैं ना, उनका भी फोन आ गया कि आप आ नहीं रहे हो क्या। उनको लगा जिन लोगों का नाम शाह से होता है ना, शाह से SH, वो बड़े अनुशासन वाले होते हैं, डिसिप्लिन। हाँ एस वाले, मेरे पापा भी ऐसे ही है। तो हम निकल गए हैं, पंचकुला पहुंचे हैं। हमारे घर से बस आधे घंटे का रास्ता है वहाँ पहुँचने के लिए, ट्रैफिक ना हो तो 10-15 मिनट का ही है। हाँ तो बस है। और गाइस दादी को भी देख लो, दादी बिल्कुल मायके जाने के लिए टिप टॉप रेडी। और आज दादी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है, जो थोड़ी था ना सर की भी थोड़ी ऐसी थी, थोड़ी कमी थी, जो वो मायके जाने के नाम पे सही हो गई है सारी। दादू बोलते थे बस इसको तो वहाँ भेज दो, बस ऐसे ही होता है लड़कियों को। मैं कब जाऊंगा अपने मायके ससुराल? अच्छा आज तक मैं अपने ससुराल गई नहीं हूँ, जो शुभम का घर है उत्तराखंड में, जहाँ इसके मॉम डैड रहते हैं। शायद देखते हैं कभी जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे शुभम गया अभी मिठाई लेने के लिए, जहाँ हम जा रहे हैं उनके लिए। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं दादी के मायके में, और हम इतने ज़्यादा लेट है। देखो इन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए खाना निकाल के रखा है, और इतना कुछ बनाया है, बहुत सारी आइटम्स है, राजमा राइस सब्जी पूरी बहुत कुछ है। तो हम अब लंच कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं उनके घर से, जिनके घर हम गए थे, मुझे याद नहीं रहा था कितने घर, मामा के घर, शुभम के मामा के घर। अब हम जा रहे हैं जहाँ शुभम पहले रहता था, इसके घर जा रहे हैं, चाचू के घर। वहाँ पे भी कोई गेस्ट आए हैं बोलते, तो वो भी हमसे मिलना चाहते हैं। जब सबकी शादियाँ होती है ना, न्यू न्यू, सारे डिमांड भी होते हैं, हमारे घर आओ हमारे घर आओ। जब हम पुराने हो जाएंगे फिर कोई पूछेगा नहीं शायद, तब पूछेगा जब अंकित की शादी होगी ना, सारे पूछेगा, सबको ये होगा ना यार हम व्लॉग में आएंगे मीनाक्षी के। हाँ ये तो है। तो गाइज फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर, और ये देखो इतना सारा सामान लेके अभी तक हमें गिफ्ट्स और शगुन मिल रहे हैं। तो गाइज अभी मैं रेस्ट करके उठी हूँ, बहुत ज्यादा थक गई थी, पता नहीं क्यों मेरे हेडेक हो रहा था। प्लीज यार ये बैकग्राउंड नॉइज है ना, मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो अब हमारा प्लान है मूवी देखने जाने का, विकी कौशल की, कौन सी, वीर बहादुर, सैम बहादुर, कुछ ऐसी मूवी रिलीज हुई है। तो आज दादी तो ऊपर ही रुक गए घर पे, और मैं, शुभम और कुल्लू भी आ गया है, कुल्लू डायरेक्ट हमें थिएटर में मिलेगा। और मैंने रात का खाना भी बना दिया है, मतलब मैं आधे घंटे पहले उठी हूँ, और आधे घंटे में मैंने दाल राइस बना दिए हैं। बस अब मुझे यही चेक करना है कि दाल बन गई है, राइस बन गए हैं। हमारा शो 8 बजे का है, और अभी 7:45 हुए हैं, बस हमें यहाँ से 10 मिनट्स लगेंगे। तो गाइज हम निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए, अब जाके दाल में सीटी, और 7:47 हो चुके हैं, और 13 मिनट बाकी है। 13 नहीं, 7:55 पे है, सिर्फ 8 मिनट बाकी है। तो कोई बात नहीं, तूने बोला था हम यहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। मैंने तो नहीं बोला, कुल्लू को तो बोला था। कुल्लू पहुँच गया, कुल्लू को फोन कर। तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम तो हमारा वही चलता है, ट्रेलर। शुक्रगुजारी है गाइस, बंदा कहीं टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे, मूवी के लिए देखो 20 मिनट पहले का पहुंचा हुआ है। आजा आजा अंदर आजा। क्या बंदे हो यार तुम, क्या क्या अब पागल। देख गाइस नहीं यार, 7:57 अब घर गृहस्थी वाले उसमें, हाँ हम गृहस्थी वाले हैं भाई, अब हमें देखना पड़ता है। क्या खाली बिरयानी खाई थी, वो 100 रुपए थे, उसकी बिरयानी खा ली। कैश गूगल पे कर दो। कितने भी गूगल पे, गृहस्थी वाले आते तो छड़े नहीं है कि भाई मुंह खा के आओ, अभी तो छड़े रहना चाहिए। 7:57 पहुंच गया, हम कितनी जल्दी, पता हम कब निकले, 46 पे मैं भी लेट निकला। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए PVR। अब बताती हूँ मूवी कैसी है और मुझे कैसी लगी। सही है मूवी, रिव्यूज तो काफी सही है, पैसा कमा रही है, पैसा भी कमा रही है। तो गाइस इनका मिशन आ गया है, इंटरवल आ गया। कुल्लू कैसी लग रही है मूवी?
फौजियों की मूवी हमेशा मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक मेरे को और मुझे भी पता चला कि ये रियल स्टोरी है। हाँ, एक मेरे को फौजियों की मूवी बहुत अच्छी लगती है और दूसरी जो राजा महाराजा मतलब पुराने वाली क्या बोलते इसको इतिहास हिस्टोरिकल हिस्ट्री वाली वो बहुत अच्छी लगती है। गाइस मूवी बहुत अच्छी मूवी बहुत अच्छी अच्छी बात यह है कि इसमें डिसिप्लिन की बातें हो रही है अनुशासन ये डिसिप्लिन इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल इसका डिसिप्लिन मैं प्लान बना रहा हूँ कि कल से मैं भी अनुशासन में आ जाऊँ। कल सुबह 7 बजे जिम जाएंगे चलेगी ना सुबह 8 बजे 8:30 वापस 9:30 ऑफिस से घर से निकल जाएगी ऑफिस के लिए 10 बजे ऑफिस रात के 10 बजे ऑफिस में काम तुम्हारा स्केड्यूल किसी को नहीं जानना है यहाँ पे लेकिन हम नहीं चाहते कि जंग की शुरुआत हम करें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहिया को जानता हूं। वो सब कुछ महसूस करता है, समझता नहीं। प्राइम मिनिस्टर। तो गाइस हम लोग मूवी देख के पहुंच गए हैं घर और मूवी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। विकी कौशल ने क्या एक्टिंग की है। और अब हम लगे हैं डिनर करने। कुल्लू के लिए स्पेशल देखो आज क्या बनाया मैंने। ये बनाया है दाल राइस आज और ये है स्पेशल डिश बट ये मैंने नहीं बनाई है। मैं सच बताती हूँ गाजर का हलवा कुल्लू का फेवरेट एंड दाल चावल। शुभम बस 5 बोले रहेगी। गाइस ये देख लो इस लड़के को बिल्कुल भी अक्ल ही नहीं है। खाना सामने रखा है फिर भी पता नहीं कौन सी गेम खेलता रहता है आजकल क्रिकेट की। तो गाइस मैं अब डिनर करती हूँ और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट टेक केयर एंड बाय बाय।